हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि। आरएसटी किचन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू रेसिपी में बनाएंगे गुलाब जामुन, क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था फ्रेंड्स, पर घर पे कोई मिठाई अवेलेबल नहीं थी। तो ये मैंने देखा पैकेट घर पर था गुलाब जामुन का, रेडीमेड जो मिक्स पैकेट आता है वही था घर पर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का ही फटाफट से गुलाब जामुन 10 मिनट में फटाफट बना कर खा लेते हैं। तो मैंने ये देखिए ये पैकेट घर पे रखा था, तो मैंने फटाफट से इससे निकाल लिया पैकेट को और इसकी इस तरीके से ऊपर की कटिंग कर दी। और अंदर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके का पाउडर है। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद पाउडर, यहाँ पे फ्रेंड्स हम दूध ले लेंगे और दूध को थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए अच्छे से डो बना लेंगे। यहाँ पे गुलाब जामुन का डो कभी भी आप बनाओ तो सॉफ्ट डो ही रहे, हार्ड डो कभी भी ना करे। अच्छे से दूध डालते हुए इसे डो बना लेंगे। अगर आपके पास दूध अवेलेबल घर पर नहीं है तो आप यहाँ पर पानी भी यूज़ करके डो बना सकते हो फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध का ही यूज़ करें। फिर उसके बाद जब थोड़ा डो बनने लगेगा तब हाथ में थोड़ा सा ये देखिए घी ले लेंगे और फिर इस तरीके से हम डो को करेंगे सर्कल में, तो फटाफट से गोले गोले में हो जा रहा है। यार देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे बॉल्स बन जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा भी डो को बनाया नहीं, यानी कि ज़्यादा सानते हैं ना, बोलते हैं ना ज़्यादा बाइंडिंग करते हैं, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया था यार। हल्का सा मैंने उसे डो को फटाफट से लपेट लिया दूध डालते हुए और फिर इस तरीके से हाथ में घी लगा कर मैं बनाते गई। यार सच में काफ़ी बढ़िया सा सर्कल बन रहा है और बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। आप इस तरीके से फटाफट से मीडियम साइज के डो को फटाफट से गोल गोल बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल बना लीजिए। आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए गुलाब जामुन आप उसी के अकॉर्डिंग से डो लीजिए और फटाफट से गोल बना लीजिए। अगर आपको भी मिठाई घर पर खाना अच्छा लगता है, यानी कि घर की बनी हुई मिठाई अच्छी लगती है ना, तो एक बार ज़रूर गुलाब जामुन ट्राई करिए यार, सच में खाकर मज़ा आ जाता है। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से गुलाब जामुन की बाइंडिंग कर ली, यानी कि गोल गोल बना लिए। और फिर उसके बाद इस तरीके से कढ़ाई में डाला तेल, तेल अच्छे से गर्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे गुलाब जामुन को हम डाल के फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही गुलाब जामुन डालें जितना आपके तेल में आ सकता है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। यार मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कभी भी गुलाब जामुन को फ्राई करें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स, नहीं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, ये बात का ध्यान रखें। तो कम से कम 3 से 4 मिनट में फटाफट से गुलाब जामुन फ्राई हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए टोप में हमने लिया है शक्कर और इसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़े से यहाँ पे 3 से 4 इलायची डाल दिए हैं। यार इलायची का फ्लेवर आने के लिए, यानी कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इलायची डालने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी हूँ और गैस को ऑन कर दी हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका ली हूँ हाई फ्लेम पे चाशनी को। ज़्यादा चाशनी को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, बस हाई फ्लेम पर आप 5 मिनट भी पकाएँगे ना चाशनी को, फिर भी अच्छे से चाशनी बन जाती है। फिर उसके बाद चाशनी को ठंडा कर ले। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने गुलाब जामुन को फ्राई करे थे ना, वो यहाँ पे हम डाल देंगे, सारे गुलाब जामुन चाशनी में अच्छे से डुबा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद 10 मिनट रख दे इसे, रेस्ट करने दे गुलाब जामुन को, फिर उसके बाद आप खाइए और काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर आप इसे और आधा घंटा रेस्ट कराएंगे ना यार, तो सच में जो चाशनी है ना ये गुलाब जामुन के अंदर तलक चली जाती है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये मैंने आधा घंटे के बाद निकाला है। आप चाहे तो, अगर आपको मन ज़्यादा ही कर रहा है, तो आप 10 मिनट के बाद भी इसे गुलाब जामुन को निकाल कर खा सकते हो। यार मैंने 2-3 गुलाब जामुन पहले ही निकाल कर खा ली, क्योंकि मैं जब गुलाब जामुन बनाती हूँ ना यार, तो मैं फटाफट उसको चाशनी में डुबाती हूँ और मैं खा लेती हूँ। मुझे खाने का बहुत ही शौक है गुलाब जामुन, इसलिए मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्लेट में हमने निकाल लिया है गुलाब जामुन को और इस तरीके से मैं आप लोगों को कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है यार सच में और बहुत ही रसीला है, देख सकते हो अंदर तलक पूरा चाशनी गया है।
सिर्फ आधे घंटे में अंदर तलक चाशनी चला गया यार, मुंह में देखकर पानी ही आ गया होगा। तो आप भी फटाफट से इस तरीके से बनाइए गुलाब जामुन और खाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।